गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, और वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हमारे बीच करीबन 900 डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और एकेडेमिया से, इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट से सब आए हैं। ये जो वैलिडिक्ट्री सेशन है, दो दिन हमारे एजुकेशन समिट चल रहे हैं, कल और आज। I also take this opportunity to congratulate you again for the National Education Policy 2020. So the annual AICTE CII Industry Linkages Survey of Technical Institutes has been very beneficial to all the stakeholders. Both AICTE and CII are gearing up for expanding the number of participating institutions in the survey for 2021. ये AICTE और CII की जो साझेदारी है, इसका ये 10वां साल चल रहा है। तो इसका मतलब कई बार हम एक साल दो साल दोस्ती होती है, टूट जाती है, लेकिन 10 साल से हमारी दोस्ती कायम रही है और यही एक बहुत बड़ा सिलसिला जारी रहा है। और इस साल तो हमने 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है, नया भारत का निर्माण, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमेशा कहते हैं। तो वो नया दिशा देने के लिए भी इंडस्ट्री के साथ साझेदारी जो होनी चाहिए, जो उद्यम जगत के साथ हमारी पहचान होनी चाहिए, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और हम जो 10 साल पहले शुरू की थी, तब वो सिर्फ इंजीनियरिंग का अवार्ड था, उसके बाद हमने फार्मेसी, आर्किटेक्चर, डिप्लोमा और पुराने संस्थाएं और नए संस्थाओं में भी अलग अलग टाइप के हम 10 कैटेगरीज में विजेताओं को घोषित करते हैं। वी विल नाउ अनाउंस The names of the winners of this year's survey of AICTE CII. Third is the Chemical Engineering and Allied Standard category, and the award is being won by Sona College of Technology, जो कि ये awards पिछले कई साल से Sona College पुरस्कार जीतती आ रही है। सर्वे में पिछले 8 पुरस्कार जीत चुकी है Sona College, और इस साल वो Chemical Engineering में ये award जीत रहे हैं। दूसरी अन्य कैटेगरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड कैटेगरी, जिसमें कि दो विनर्स हैं। सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पहला पुरस्कार जीत रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अलाइड कैटेगरी स्टैंडर्ड डिग्री में। ये पहले रनर्स अप रह चुके हैं 2018 में इसी कैटेगरी में। एक स्पेशल मेंशन यहाँ पर है इस पूरे सर्वे प्रोसेस में त्यागराजन पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो पिछले साल मेंटर बन चुके हैं ऑलरेडी। There were some other institutes which gave a tough competition to other institutes, but they have not won an award. But the jury made a special mention of them, and these are 4 institutes listed in front of you here. Thank you very much. और हम सब winners को और सब participants को congratulate करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज जो ये विषय को लेकर के आप इस अभियान को आपने आगे बढ़ाया है, मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस समय कहा है कि एक नई दुनिया के लिए और नए भारत के निर्माण की ज़रूरत है, और इस समय आपने कहा कि उसका रास्ता शिक्षा से कैसे गुजर सकता है। शिक्षा और उद्योगों के बीच कौन सी कड़ी हो सकती है कि दोनों परस्पर मिलकर के उस पूरे एक ऐसे विश्व के लिए जो भारत की नज़र में जो एक परिवार हो, कुटुंब हो, विश्व का विकसित परिवार हो, जिसमें सभी सामर्थ्य हो, जो सभी चीज़ों से युक्त हो, ऐसा परिवार, विश्व का ऐसा परिवार बनाने के लिए नए भारत की ज़रूरत है। तो जिस बात को हम हमेशा ही बोलते हैं कि यदि विश्व की प्रगति, शांति, सुख शांति और प्रगति पूरे विश्व के लिए, ये हिंदुस्तान से होकर के गुजरती है।